हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच जो डिस्प्यूट चला आ रहा था, जो गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच जो विवाद चला आ रहा था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेरियस जजमेंट के थ्रू अलग अलग जजमेंट का सहारा लेंगे एंड देन और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या मेनली रहेगा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये दोनों मेनली रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच डिस्प्यूट। इसकी शुरुआत तब होती है जब देश आजाद होता है। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था देश को आजाद होने के बाद, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, एक संविधान का निर्माण करना था, और हमने संविधान का निर्माण किया। अब संविधान का निर्माण करने के बाद उसमें कुछ प्रोविजन थे, लाइक फंडामेंटल राइट था और डीपीएसपी था, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों के बीच पूरा का पूरा विवाद था। तो इसको देख लेते हैं। भाई, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हमने डीपीएसपी को जगह दी और फंडामेंटल राइट को जगह दी। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार जो देश के हर नागरिक को प्राप्त रहेंगे, और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कोई करता है, गवर्नमेंट करती है, तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ये फंडामेंटल राइट क्या है, ये कानूनी रूप से बाइंडिंग है, ये कानूनी रूप से बाइंडिंग है, ये इनफोर्सिबल है, इनफोर्सिबल है। वही अगर डीपीएसपी की बात किया जाए, डीपीएसपी इट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये जो है नैतिक रूप से बाध्यकारी, यानी ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, ये नैतिक रूप से बाध्यकारी। नैतिक रूप से बाध्यकारी होने का मतलब है कि अगर डीपीएसपी में जो दिए गए राइट है, जो फंडामेंटल राइट जो डीपीएसपी में दिए गए हैं, अगर उसका वायलेशन गवर्नमेंट करती है, तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता कि उसके फंडामेंटल कि उसके डीपीएसपी का कि उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो ये नैतिक रूप से बाध्यकारी है, यानी गवर्नमेंट को एक गाइडलाइंस की तरह काम करता है, यानी गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, कि गवर्नमेंट को इसको देख करके कैसे उसे काम करना है, कैसे उसको अपनी सरकार को आगे चलाना है, उसको डिसाइड किया जाता है। यानी ये एक फ्रेमवर्क या कि फिर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस की तरह काम करता है, यानी एक फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस की तरह काम करता है डीपीएसपी। अब डीपीएसपी में अलग अलग प्रोविजन है, लाइक आर्टिकल 38A, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C, ये तीन प्रोविजन है। आर्टिकल 38 बोलता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है, अब गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन का, यानी जो उसके नागरिक है, उसको क्या करेंगे, उसको वेलफेयर प्रोवाइड कराएंगे, यानी उनका उनका लोक कल्याण करेंगे, वेलफेयर सुनिश्चित करेंगे। वेलफेयर किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, वेलफेयर इस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जो उनकी जनरली चीज होगी, लाइक हेल्थ का, या कि एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना, या कि अदर जो उनकी लाइफ को चलाने के लिए, एक जीवन यापन करने के लिए जो उन्हें फैसिलिटीज चाहिए, वो जीवन यापन करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है आर्टिकल 38 के हिसाब से। और दूसरा आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में कहा जाता है, जो देश में उपलब्ध संसाधन, जो रिसोर्सेस है, जो देश में उपलब्ध वेल्थ है, वो किसी एक हाथ में सेंट्रलाइज ना हो, या वो किसी एक इंसान के पास ना इकट्ठी हो जाए, यानी कुछ वर्ग के पास, कुछ क्लास के पास इकट्ठी ना हो जाए, बल्कि उसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बल्कि उसका इस तरीके से वितरण होना चाहिए कि देश से इनइक्वालिटी खत्म हो एंड देश से असमानताएं खत्म हो। यह था आर्टिकल 39C और आर्टिकल 39B। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो असमानताएं थी वो आजादी के पहले की तो थी नहीं, कि आजादी के बाद से ही हमारी हमारे देश में असमानताएं आई, इनइक्वालिटीज आई, ये तो तब की जब से समाज सभ्य हुआ था, यानी एक समाज बनता है या कि कोई एक राज्य बनता है, तब से ये इनइक्वालिटीज बनी हुई है। लाइक अगर हम एंशियंट टाइम देखें तो एंशियंट टाइम में भी वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम में कौन क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, देन वैश्य थे, देन शूद्र थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच हमेशा टक्कर होती थी कि कौन श्रेष्ठ है,
ब्राह्मण अपने आप को मानता था एंड देन क्षत्रिय अपने आप को मानता था। कई ब्राह्मणों ने कहा कि हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, एंड कई क्षत्रिय ने कहा कि चूंकि भगवान, चूंकि राज करने का अधिकार हमें है और हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, यानी दोनों के बीच एक तरीके से विवाद चलता रहता था कि बड़ा कौन है। वही वैश्य की बात की जाए, वो व्यापारी वर्ग था, बिजनेसमैन था, तो वो क्या करता था, टैक्स देता था। अब टैक्स देता था तभी राजा अपना राज कर सकता था, या कि फिर राजा अपना राजा ब्राह्मण को दे सकता था दान। तो इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन बना के चल रहे थे। लेकिन वहीं शूद्र की बात की जाए, शूद्र की कंडीशन बहुत खराब थी, यानी इकोनॉमिकली शूद्र की कंडीशन भी खराब थी एंड सोशली भी कंडीशन खराब थी, यानी आर्थिक रूप से भी उसकी मंदी थी, आर्थिक रूप से भी उसकी कंडीशन खराब थी और सामाजिक रूप से भी उसकी कंडीशन खराब थी। तो एक तरीके से देखा जाए इनइक्वालिटीज कोई हमारे यहाँ पहले, यानी आजादी के बाद कोई नई बात नहीं थी, इनइक्वालिटीज हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही। लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज बढ़ी थी, जो असमानताएं बढ़ी थी, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज्यादा बढ़ गई। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे बढ़ी, ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स का काम क्या था, यहां से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी ज्यादा से ज्यादा राजस्व लेना, टैक्स वसूलना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसानों की कंडीशन कैसी हो रही है, यानी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, वो टैक्स नहीं दे पा रहे। यानी गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसको राजस्व प्राप्त करना था, उसे टैक्स वसूलना था। एक कलेक्टर यानी अपने ऊपर वाले अधिकारी को कहता है भाई उसके राज्य में, उसके डिस्ट्रिक्ट में कुछ फसल ही नहीं हुई है, उसके डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ घास हुई है। देन ऊपर वाले अधिकारी उसको बोलता है कि घास अच्छी चीज है, एंड देन आप घास को बेच के टैक्स वसूल करिए। यानी किसानों की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी जो ब्रिटिशर्स ने की थी। तो एक तरीके से उन्होंने, अब चूंकि उन्हें रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करना है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी मेथड्स अपनाई, कुछ अलग अलग मेथड्स अपनाई, जिसके कारण जमींदारी व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, वो ज्यादा बढ़ा। उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम अपनाया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, अलग जमींदारी व्यवस्था हो गई, या कि पट्टा देना हो गया, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में। तो इस तरीके की अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई, अब अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई, जमींदारी व्यवस्था अपनाई, तो जिसके कारण क्या, वो जमींदारों के पास जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास बहुत ज्यादा लैंड इकट्ठी होने लगी। उनके पास 500 हजार एकड़ लैंड इकट्ठा हो गई, और वहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेतिहर मजदूर थे, जो उनके यहाँ मजदूरी करते थे, या कि उनके पास पहले से लैंड थी, तो चूंकि वो अपना टैक्स नहीं चुका पा रहे थे, राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण उनके उनके लैंड बिक गए, और उसको कौन खरीद लिया, जमींदार खरीद लिया। यानी जमींदार और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, यानी जो पुराने राजा थे उनसे भी खतरनाक थे ये नए राजा, सॉरी ये मॉडर्न टाइप के राजा। तो इस तरीके से अब क्या था, अब चूंकि जमींदारों के पास बहुत ज्यादा लैंड थी और बाकी लोगों के पास कम लैंड थी, तो डीपीएसपी में जो दिया था कि लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित करना है, लोगों का कल्याण करना है, या कि फिर जो देश में उपलब्ध संसाधन है उसका न्यायपूर्ण वितरण करना है, या कि फिर उसको संकेंद्रित होने से बचाना है, यानी वेल्थ को एक जगह रुकने से बचाना है, बल्कि उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना है, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। तो इनइक्वालिटीज को कब खत्म कर पाएंगे, इनइक्वालिटीज को आप तभी खत्म कर पाएंगे जब आप देश में लैंड रिफॉर्म लाएंगे। तो गवर्नमेंट का क्या इनिशियली काम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लाना शुरू किया। तो उसने सबसे पहले उसने क्या बनाया, जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने सबसे पहले बनाया जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट, लैंड रिफॉर्म, गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म। यानी लैंड रिफॉर्म का इशू कोई ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद से ही था, ये आजादी से पहले ही ये कहा जा रहा था कि लैंड रिफॉर्म लाया जाएगा। यानी गवर्नमेंट जो है, या कि हमारे देश को आजादी इसी बेस में मिली थी कि चूंकि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो लैंड रिफॉर्म होंगे, सबके पास, हर किसानों के पास अपने खेत होंगे, ताकि वो उस खेत में खेतिहर मजदूर बन के काम न कर सके। तो लैंड रिफॉर्म कोई नई चीज नहीं थी, लैंड रिफॉर्म बहुत पहले से आई थी। तो अब गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करना चाहा, तो जमींदारों से बोला कि भैया आपके पास 500,000 एकड़ जमीन है, तो आप उनमें से कुछ जमीन, यानी 20-30 एकड़ आप अपने पास रखिए, एंड देन सारी गवर्नमेंट को दे दीजिए। और गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट गरीब लोगों में उसको बांट देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज खत्म होगी। तो अब जमींदारों को ये चीज तो अच्छी लगेगी नहीं कि भाई उनकी वेल्थ को बंटवारा किया जा रहा है, उनकी जो जमीनें हैं, लैंड है, वो बंटवारा हो रहा है। तो वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट,
यानी जो जमींदार थे, जमींदार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के बोले कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था। और आर्टिकल 13 में यह चीज कही गई थी कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाता है या कि कोई कानून बना के किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उसके जो एक्ट बनाया है जिसके थ्रू फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जमींदार थे, जमींदार के पास अपने कुछ राइट थे, जैसे आर्टिकल 19 वन एफ या कि आर्टिकल 13 वन, ये दोनों क्या थे, राइट टू प्रॉपर्टी थे, संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि भाई जमींदार तो सही कह रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप जमींदार की लैंड ले, तो आपको क्या कर देना चाहिए, ये जमींदारी अबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जमींदारी अबोलिशन एक्ट यहां से खत्म होता है एंड लैंड रिफॉर्म आप नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ। अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब क्या किया जाए, चूंकि लैंड रिफॉर्म तो करना ही है। लैंड रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अलग टेक्निक अपनाई। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, यानी संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1952 को हुआ, यानी जो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था 1952 को। और इसमें गवर्नमेंट ने दो बातें कही, एक तो शेड्यूल 9 को इंक्लूड किया। शेड्यूल 9 इट मीन्स अनुसूची 9। और दूसरा इंक्लूड किया आर्टिकल 31 बी को। एक शेड्यूल 9 को किया और एक आर्टिकल 31 बी को किया। आर्टिकल 31 बी में इसने बोला कि अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है, लॉ बनाती है, कानून बनाती है, और उसको उसको शेड्यूल 9 में रख देती है, यानी कोई एक्ट बनाया और उसको शेड्यूल 9 में रख दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती, उसको जांच नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती, इस बेस में कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, कि वो उसके यानी सिटीजन्स के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। यह गवर्नमेंट ने बोला तो भाई शेड्यूल 9 में जो एक्ट रखा गया है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं कर सकती कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। और शेड्यूल 9 में बोला कुछ विधियों का विधिमानीकरण कर दिया, यानी कुछ विधि यानी कुछ लॉस को क्या कर दिया, बहुत यानी विधिमानीकरण, यानी उनको ज्यादा पावर दे दी गई और शेड्यूल 9 में रख दिया गया। और इस तरीके से जो जमींदारी अबोलिशन एक्ट था उसको शेड्यूल 9 में रख दिया, और गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब जमींदार फिर एक पिटिशनर गए, यहाँ पिटीशन डाली याचिकाकर्ता ने, उसने बोला कि भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे और उसके बाद हमारे राइट को छीन ले, जो भाई हमारे पास आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 19 वन एफ है, आर्टिकल 31 है, तो इस बेस्ड में और इसके साथ आर्टिकल 20 भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट टू लाइफ ना, और इसके साथ और भी बहुत सारे आर्टिकल 14 आ जाते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, बट राइट टू इक्वालिटी तो इसमें इंक्लूड नहीं होती, चूंकि राइट टू इक्वालिटी के लिए तो ये हो रहा था। तो आर्टिकल तो इस तरीके से जमींदार पहुंच गए फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया हमारे आर्टिकल 19 वन एफ और 31 के साथ उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 13 हमें मिला है, तो आप ऐसा करिए कि इसको, इस जो लॉ बनाए गए शेड्यूल 9 बनाए गए, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दीजिए। अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यू टर्न खेल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 13 में लॉ लिखा है, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा, संविधान संशोधन नहीं लिखा, और संविधान संशोधन के द्वारा गवर्नमेंट ने इस कानून को बदला है, यानी इस लॉ को, यानी यहाँ पे शेड्यूल 9 को किया है, और इसके बेस में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं बना है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न मारा और इस तरह के दो केस आए थे। एक तो 1952 में, 1952 में, एंड वन इज 1955 में। एक था 1952 में आया था शंकरी प्रसाद देव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी देव प्रसाद
सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक ये केस आया था 1952 में, एंड देन अनदर केस इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये 1952 और 1955 में ये दो जजमेंट आई, और ये दो जजमेंट में यही बात लिखी गई थी आर्टिकल 13 वाले कि भाई उसमें अमेंडमेंट की गई है, लॉ नहीं बनाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यू टर्न क्यों किया? तो इसका रीजन एक है, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न किया बिकॉज उस टाइम पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी बहुत अच्छी इमेज थी, यानी उनका कद बड़ा था, वो फ्रीडम फाइटर थे, वो देश को आजाद कराए थे, और उस टाइम की राजनीति में सबसे बड़े आदमी थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी के पास सबसे बड़े आदमी राजनेता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ खड़े होते थे, लेकिन चूंकि देश का प्राइम मिनिस्टर होना है उन्हें पहले नंबर पे खड़ा कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट की लिटरली इतनी हिम्मत हुई नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाए, हालांकि कानूनी रूप से जा सकते हैं, चूंकि अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो तीन पिलर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव भी काम करती है, लेजिस्लेचर भी काम करती है, एंड देन जुडिशरी को भी अपना काम करना पड़ता है, एंड जुडिशरी का काम ही ये है कि कानून को देखे कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जो पार्लियामेंट ने कानून पास किए और जो लेजिस्लेचर उसको इम्प्लीमेंट कर रही वो सही है या गलत है, वो लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कि नहीं है, तो ये देखना भी जरूरी है। बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कद इतना बड़ा था, और ऊपर से लैंड रिफॉर्म इतना क्रिटिकल इश्यू था जो पब्लिक में अपील बहुत करता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न मारा, सुप्रीम कोर्ट का ये मेन था। इसके अलावा लेकिन इसके अलावा 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू खत्म हो गए, डेथ हो गई। अब उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट अपने आप को रिवाइव कर चुकी थी, यानी स्ट्रांग बन चुकी थी, और जो इनके बाद एक तरीके से जो पॉलिटिक्स है अपने में एक घिर गई कि भाई मोरारजी देसाई बोल रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, बट लाल बहादुर शास्त्री बन गए, एंड देन उसके बाद इंदिरा गांधी, और वहां पे भी मोरारजी देसाई विरोध कर रहे थे, तो एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन जो राजनीतिक रूप से स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट रिवाइव करी, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांग बनी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस टाइम के बाद अलग जजमेंट दी। उस टाइम पे एक केस आया 1967 का टाइम था, 1967 का टाइम था, इस टाइम पे दो पंजाब के दो ब्रदर, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ, एंड देन सेकंड इज विलियम गोलकनाथ, यानी एक था हेनरी गोलकनाथ एंड सेकंड इज विलियम गोलकनाथ, हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ, ये दोनों के पास 500 एकड़ लैंड थी पंजाब में, 500 एकड़ लैंड थी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब सिक्योरिटी एक्ट के तहत इन्हें 20 एकड़ लैंड दे दी और इनसे बाकी लैंड ले ली। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए और बोले कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट, अब गवर्नमेंट का तर्क क्या था, पंजाब गवर्नमेंट का तर्क था, क्योंकि शेड्यूल 9 में हमने ये जो एक्ट है जिस एक्ट के तहत हमने गोलकनाथ ब्रदर्स से जमीन ली है, लैंड ली है, वो शेड्यूल 9 में, और शेड्यूल 9 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती, ये लिखा है शेड्यूल 9 में। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया वो जजमेंट पुरानी हो गई थी, अब क्या हम इसका फिर से रिव्यू करेंगे, हम फिर से अपने जजमेंट को देखेंगे कि हमारी जजमेंट सही है कि नहीं है। तो उन्होंने गोलकनाथ मामले में बिल्कुल अपोजिट टर्न लिया, और उन्होंने बोला किसी भी तरीके से, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और ना ही किसी तरीके से, आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, यानी फंडामेंटल राइट को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया, फर्स्ट में बोला था कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी दोनों इक्वल है ना, कि आप फंडामेंटल राइट को समाप्त कर सकते हो डीपीएसपी को लागू करने के लिए, बट सेकंड में बोला कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो बड़ा है, डीपीएसपी छोटा है, ये गोलकनाथ केस में। फिर इसके बाद, अब इतना हो गया तो फिर इसके बाद, यानी ये सुप्रीम कोर्ट रिवाइव करी, अब इसके बाद हो गया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई। इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी क्या थी, वो शुरू से ही वो अपनी पार्टी में उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध झेला था, भाई मोरारजी देसाई वाली कहानी कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, एंड देन इसलिए उनको अपनी पार्टी के अंदर जो सिंडिकेट था, जो इस टाइम पे अध्यक्ष थे पार्टी के, वो एक सिंडिकेट ग्रुप एंड मोरारजी देसाई और उनका ग्रुप, ये बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई,
सोशलिस्ट पॉलिसी समाजवादी नीतियां अपनाए जिसके तहत गरीबों से ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा कर सके या कि गरीबों को सिंपथाइज कर सके, सहानुभूति उनकी ले सके। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अपनाई, लाइक गरीबी हटाओ का नारा दिया, या कि इसके अलावा बैंकों का नेशनलाइजेशन करना यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना, या कि इसके अलावा कि रजवाड़ों का जो रियासतों के जो राजा थे उनकी एक तरीके से पॉकेट मनी घटा देना, यानी उनका जो पॉकेट दिया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था, उसको खत्म कर देना। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ अलग अलग किए। इसके लिए अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, जैसे आरसी कूपर आई थी, ये बैंकों का नेशनलाइजेशन से रिलेटेड आरसी कूपर में बोला गया था कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा माधवराव सिंधिया के केस में ये वाला आया था, रजवाड़ो वाला आया था, एंड देन माधवराव सिंधिया वाले प्रीवी पर्स का इशू आया था। प्रीवी पर्स इट मीन्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश आजाद हुआ था तो हमारे उस टाइम पे 552 रियासतें थी ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का विलय कराया, यानी पूरे रजवाड़ों का विलय करवाया। तो देशी रियासतों का विलय कराने में उन्होंने कुछ उनको रियायतें दी, बोले कि प्रीवी पर्स आपको मिलेगा, इसके तहत आपको कुछ रुपए मिलेंगे और साथ में आप अपना नाम रख सकते हैं, आप अपने फ्लैग लगा सकते हैं, अपनी पदवी रख सकते हैं, राजा महाराजा का नाम यूज कर सकते हैं, ये आपको छूट रहेगी। और इसके बदले आप क्या करिए, आप अपने रजवाड़ों का, अपने रियासतों का भारत देश में विलय कर दीजिए। तो 552 देशी रियासतें थी। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को हटा दिया और बोल दिया कि भाई प्रीवी पर्स क्या है, बड़े लोगों के लिए, बट हम यहां से पैसे लेके हम गरीबों में बांटेंगे। तो इस तरीके से प्रीवी पर्स का, और इसका आया था माधवराव सिंधिया का केस आया था। इसके अलावा फंडामेंटल राइट वाला गोलकनाथ केस। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने कुछ अमेंडमेंट भी किए थे। इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किए थे 24th अमेंडमेंट, 25th, 26th एंड 29th। अभी चार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे। अब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था दो बातों को इंक्लूड किया गया था। एक तो आर्टिकल 31A को चेंज कर दिया गया कि आर्टिकल 31A जो है अब नहीं है, उसको चेंज कर दिया। इसके अलावा उसने बोला कि अगर गवर्नमेंट किसी से यानी किसी सिटीजन से लैंड एक्वायर करता है, यानी उससे लैंड ले लेता है, तो उसके बदले वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ये नहीं बोल सकता कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। तो इसने कहा। इसके अलावा 31C इंक्लूड किया और 31C में बोला कि अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट क्या है, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लाता है, कोई एक्ट बनाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट यानी उसका रिव्यू नहीं कर सकती, यह कहकर कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। और इसके अलावा जो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला कि भाई जो केरला के दो एक्ट थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, उसको क्या कर दिया, शेड्यूल 9 में रख दिया। और इसके बाद जो हुआ था, केस आगे बढ़ा। इसके बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल मामला। और केशवानंद भारती बनाम केरल मामला में हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, वो दो लेक्चर्स किए, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने गवर्नमेंट